हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं उग्र ऑफ क्लिक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो आप सभी लोगों को बताइए, क्लैश ऑफ क्लैन का एक नया वीडियो आया था, उसमें था कि क्लैश वाली फीलिंग, ओके वीडियो टाइटल था। तो अब आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, प्लस उसके पहले एक और सरप्राइज इंडियन क्लैशर्स के लिए एंड आप सभी लोगों के लिए जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्टेस्ट रन करेंगे जो जिसमें कि क्या है, जैसे कि आप लोगों को उस कॉन्टेस्ट में करना क्या है, तो आप लोगों को हैशटैग करके क्लैश वाली फीलिंग ये लिखना है, ओके, और इसका यूज़ करना है। अगर आप लोग कंटेंट बनाओ उसके ऊपर तो ये यूज़ करना है और इसके ऊपर आप लोगों को कंटेंट बनाना है, लाइक कि भाई आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन में जब आप क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हो तब आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, फीलिंग्स कैसी होती है, ओके, आपके और आपके जितने भी क्लैन मेट्स है वो मिलके भी एक वीडियो बना सकते हैं, ओके, जैसे कि आपके क्लैन मेट्स है जो कि एक ही सिटी में आप लोग रहते हो एंड आप लोग सब मिलके एक वीडियो बना सकते हो और उसको फिर आप लोग पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर व्हाटएवर कोई भी जो जिस भी टाइप के आपके कॉन्टेंट हैं, ओके, इस क्लैश वाली फीलिंग के ऊपर, इस हैशटैग के ऊपर आप लोग बना सकते हो एंड आप लोगों को अब वो कंटेंट कहाँ सबमिट करना है, ओके, तो वो कंटेंट आपको सबमिट करना है। यहाँ पे देखो, मैं बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म रख रहा हूँ, ओके, ना मैं ट्विटर रख रहा हूँ, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, सब जगह नहीं रख रहा हूँ, देखो मैं, ओके, मैं एक ही प्लेटफॉर्म रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे भी इजी पड़े, ओके, मैं मुझे ही वहाँ पे अकेला जाना पड़े और मैं देख सकूँ और आप लोगों को भी इजी पड़े वहाँ पे डालने का। फिर आप क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, ट्विटर पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, सब जगह डालोगे। इससे अच्छा है कि भाई कोई एक ही जगह हम लोग डालें। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को, आप जो भी ये कॉन्टेंट बनाओ, वीडियो बनाओ, ये हैशटैग क्लैश वाली फीलिंग इसके ऊपर व्हाटएवर जो वो आपको सोचना है, आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो और कुछ भी इंटरेस्टिंग स्टफ बना सकते हो, कोई भी आप फैन आर्ट बना सकते हो, ओके, जो कि इंडियन क्लैशर, हम जो इंडियन क्लैशर है उनसे रिलेटेड हो, हमारी जो जितनी भी संस्कृति है उसके रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी आप स्टोरी बना सकते हो, फनी वीडियो बना सकते हो, फिर क्लैश ऑफ क्लैन इंडिया के रिलेटेड बना सकते हो, फैन आर्ट बना सकते हो, व्हाटएवर आपको वो बनाना है, वीडियो भी बना सकते हो अपने क्लैनमेट्स के साथ मिलकर, या फिर अपना जो क्लैश फ्रेंड होता है, ओके, क्लैश ऑफ क्लैन में भी फ्रेंड होता है और आपके साथ भी वो आपके साथ ही रहता हो, तो आप दोनों मिलकर बना सकते हो। आप अपने फ्रेंड के साथ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडली चैलेंज करके, एक साथ में बैठ के फ्रेंडली चैलेंज करके वीडियो बना सकते हो। फिर वो जो बना लो, आप जो भी कंटेंट बनाओ, वीडियो बनाओ, फैन आर्ट बनाओ या फिर व्हाटएवर कुछ भी बनाओ, उसको आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो उस टाइम पे मेरे को टैग करना है, ओके, वहाँ पे टैग पीपल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे टैग पीपल पे आपको मुझे टैग करना है, ओके, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके, तो आप लोगों को ये करना है, मुझे आपको टैग करना है, ओके, हैशटैग स्कूबी अंडरस्कोर शिवम टैग करना है मेरे को एंड हैशटैग क्लैश वाली फीलिंग ये लिखना मत भूलना, हैशटैग क्लैश वाली फीलिंग ये लिखना मत भूलना, ये तो कंपलसरी ही है, ओके, बिकॉज मैं डायरेक्ट अगर सर्च करूंगा हैशटैग क्लैश वाली फीलिंग तो आप सबके वीडियो आएंगे, नॉट ओनली आप सबके, जितने भी इंडिया में क्लैश ऑफ क्लैन के प्लेयर वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, उन सबके वीडियो आएंगे और इसमें से जिसका भी कॉन्टेंट अच्छा होगा, जिसने भी अच्छी सी क्रिएटिविटी दिखाई होगी, जिसने भी अच्छा फैन आर्ट बनाया होगा या फिर जिस जो भी अच्छा होगा, उनमें से कुछ लोगों को गिफ्ट मिलेगी, ओके, और कितने लोगों को मिलेगी वो कुछ फिक्स नहीं है, बट दो तीन से ज़्यादा होंगे या फिर तीन के आसपास होंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है बट मिलेगी, एक से ज़्यादा तो है, वो मैं आपको बोल सकता हूँ, एक या उससे ज़्यादा तो है ही, जो भी होगा मैं बता दूंगा, एक है या फिर दो या फिर तीन है, कितने विनर है, जितने भी विनर होंगे उतने मैं बता दूंगा विनर अनाउंसमेंट के टाइम पे, ओके, नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद, और आप लोग मुझे टैग करना मत भूलना, प्लस हैशटैग क्लैश वाली फीलिंग ये तो यूज़ करना ही है बॉस, कुछ भी हो जाए, इससे क्या होगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर लेना, इंस्टाग्राम के नीचे मुझे मिल जाएगा, मैं इंस्टाग्राम पे इसीलिए रख रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे इजी पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी टैग होगा मैं तुरंत ही जाकर आपका ये वीडियो या फिर आपका जो भी आर्ट है वो भी मुझे अगर पसंद आया तो मैं खुद अपनी स्टोरी में डालूंगा, फीचर करूंगा मेरी स्टोरी में एंड अगर बहुत ही अच्छा लगेगा तो आने वाले कुछ वीडियो में मैं डालूंगा, भाई देखो ये जो आए उनमें से ये दो तीन अच्छे हैं, सो वन टाइप ऑफ आप लोगों के जितने भी जो आर्ट है, जितने भी क्रिएटिविटी है वो बाकी अदर्स लोग भी देख पाएंगे। तो ये है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग रिएक्शन देंगे ये जो वीडियो है क्लैश ऑफ क्लैन का, क्लैश वाली फीलिंग उसका, ओके, तो चलो भाई जल्दी से हम लोग यार रिएक्शन देते हैं, ओके, शुरू हो चुका है, वाह मेरे साथियों, इसके क्लेन, इसकी तलवार पे तो क्लेन बैज है, हमारी चौखट पर चुनौती आई, वाह वाह क्या बात है, कितने दुश्मनों ने हम पर वार किया, उन्हें लगता है कि वो जंग के मैदान पर हमसे टकराएंगे, या हमें हराकर हमारा सर झुकाएंगे,
और क्या हम ऐसा होने देंगे? आओ भाई साहब, आज हम लड़ेंगे, लड़ेंगे अपने परचम की शान के लिए, शाबाश, हम लड़ेंगे अपने आत्मसम्मान के लिए, वाह वाह, और आज हम लड़ेंगे अपने क्लैन के लिए। स्मार्टी अमित, ओह माय गॉड, ओ भाई साहब क्या सपना था इसका। ओके सो यार वो एड्स तो यार बहुत ही फनी थी, बहुत ही तगड़ी थी, एंड मैंने ये पहली बार ही देख रहा था। एंड भाई क्या जो लास्ट में वो जो म्यूजिक लगा है, ओके वो जो रिएक्शन मैंने दे दिया, उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 बार वो म्यूजिक सुना। क्या म्यूजिक बना, एकदम एकदम इंडियन स्टाइल में और एकदम हिंदी में म्यूजिक था। और जो जो वो लास्ट में वो ब्रश करता हुआ, उसको पता चलता है भाई ये सपना है। भाई साहब आगे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बस भाई युद्ध का मैदान है और भाई ख़त्म ही कर देंगे सामने वाले क्लेम को, और लास्ट में उसको फिर पता चलता है तो सपना निकलता है, साला ब्रश करते करते हुए सोच रहा था सब चीज़ें। भाई बहुत ही अच्छी एक्टिंग है सबसे पहले तो उसकी। दूसरी चीज़, शुरुआत में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, जो कि जिसके उसके हाथ में जो तलवार थी उसके ऊपर क्लेन बैज था। ओके तो वो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो इसका, ये तो ये क्लेन बैज था एंड ये मैंने थंबनेल में भी रखा है। तो वो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि भाई वो वहाँ पे क्लेन बैज रखा है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही अच्छी लगती है अगर ऐसे वीडियो में आए तो। एंड एंड में फिर वो पता चलता है वो क्लेन वॉर की बात कर रहा था और बोल रहा था कि भाई हर बार वो लोग सोचते हैं हमको हरा देंगे, बट इस बार नहीं होगा, इस बार हम लोग लड़ेंगे क्लेन के लिए। बहुत ही फनी था एंड बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किया गया है इसको, एंड स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, और म्यूजिक लास्ट वाला म्यूजिक जहर भाई जहर। एंड सब लोगों ने देख लिया होगा, ओके 30 मिलियन व्यूज़ है और वो कम नहीं होते भाई साहब, 30 मिलियन किसको बोलते हैं, 3 करोड़ व्यूज़, जो कि हर एक क्लैश ऑफ क्लैन प्लेयर ने देख ही लिया होगा अब तक। तो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए फिर से जाके, तो बहुत तगड़ी चीज़ है। मुझे बताओ आप लोग, आपको कैसी लगा वो ऐड कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड एक और चीज़, कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है एंड जल्द से जल्द ये कब तक चलेगा तो मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। जब तक चलेगा, जब तक मैं वीडियो में बोलूँ नहीं कि भाई ये मैं डेट बोलूँगा, तब तक चलेगा वो। एंड तब तक आप लोग कर दीजिए, अभी भी टाइम है, मतलब कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है कॉन्टेस्ट एंड होने में। ओके तो आप लोग अभी से शुरू हो जाइए, ओके कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दीजिए, मुझे टैग करना शुरू कर दीजिए इंस्टाग्राम पर, यूज़र नेम मेरा यहाँ पर है, ओके टैग करना शुरू कर देना। उसके बाद आप लोग जैसे ही पोस्ट डालोगे, फैन आर्ट डालोगे, मैं सब कुछ देखूंगा और अगर अच्छी लगेगी तो मैं फीचर भी करूंगा मेरी स्टोरी में। ओके तो भूलना मत, शुरू कर देना आप अपना कंटेंट बनाने की। एंड ये था गाइस आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस। Take a look.